हेलो किड्स, अभी हमने देखे ये वाला पैटर्न किया था इससे पहले, है ना। अब हम देखिए दूसरा पैटर्न लेते हैं। इसके लिए आपको ये बॉक्स में यहाँ पे और इसमें इस टाइप से सबसे पहले हमको ये करना है। अब इसके बाद हम ये करने के बाद इसको हम इस टाइप से इससे मिलाया, इसको हम ऐसे मिलाएंगे इससे, फिर इसके बाद यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, इस टाइप से ये लास्ट ये बॉक्स के साथ हम ये देखो ये लाइन थी ना, इसके साथ हम यहाँ पे ये और ये क्या। अब इसके बाद क्या करना है ये देखिए, यहाँ से हम इसको इस टाइप से ऐसे करके इस पर ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से इसको ऐसे ही हमें ये हल्का सा इसको टर्न देके यहाँ पे ऐसे करके टर्न कर देते हैं ये। इस टाइप से हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। ये किया। अब इसमें हम कलर लेंगे, कोई भी टू कलर्स आप ले सकते हैं, शेड हम कर सकते हैं। इस पर मैं इस पर हम कोई भी पैटर्न, अभी ये आपको पैटर्न सिखा रही हूँ मैं, आप इनको कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये ड्राइंग का ज्योमेट्रिकल पैटर्न का सबसे इजी मेथड होता है, इसको कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नर देने के लिए यूज़ कर सकते हैं मिक्स करके। अभी ये जब ये पैटर्न हो जाएंगे फिर उसके आप बाद आप इनको मिक्स एंड मैच करके कोई भी डिज़ाइन स्टार्ट होगा। इसके बाद देखिए मैंने इस पर ये येल्लो कर लिया, ये किया इस पर इस टाइप से, को हम पूरा फिल करें। ये देखो बेटा इस टाइप से ये पूरा पैटर्न रेडी हो गया। अब इसको हम अगर हम इसको चारों साइड से अगर हमें बॉर्डर बनाना है, कुछ बनाना है, तो ये कैसा लगेगा। तो देखिए मैंने इस टाइप से ये करके इसको इस टाइप से हम मैंने यूज़ कर लिया। मैं एक पैटर्न बना के इसको मैं इस टाइप से इसलिए बता रही हूँ कि एक पूरा कम्प्लीट होके किस टाइप से लगेगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक और पैटर्न बताती हूँ। इसके लिए आपको 1-4 बॉक्सेस में लाइन खींचनी है, देखो इस टाइप से 1-2-3, यानी कि ये 1-2-3-4 बॉक्सेस हो गए। इन 4 बॉक्सेस में हमको एक फिर बॉक्स छोड़ के फिर इस टाइप से ये देखो इस टाइप से ये कंप्लीट किया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये देखिए ये वाला जो है ये लाइन है बेटा ये वाला, इसको हमें यहाँ पे इसको साथ क्रॉस करना है। देखो ये फर्स्ट वाली लाइन, ठीक है, और फिर इसके साथ ये जो आपका सेकंड ये वाला लाइन है इसके साथ इसको मिड में, ये देखिए इस टाइप से ये अब इसके बाद आपको ये देखो सेकंड वाली लाइन में ये वाला जो बॉक्स है इसको इसके साथ देखिए। आपको जब समझ में ना आए तो आप दोबारा फिर से देखो स्टार्ट करते हुए, ये देखो ये किया हमने। इसी टाइप से इधर वाला जो हमारा ये लास्ट वाला था, ये देखो जैसे हमने ये किया इसी के अपोजिट में ये हम ऐसे करके करेंगे। ये किया और फिर इसको इसके साथ ये किया और फिर इसके साथ जैसे हमने ये वाला किया था इसी टाइप से यहाँ से हम ये देखो मीन्स दोनों अपोजिट हो जाएंगे, जैसे ये है फिर ये इधर को आ जाएगा। ये किया, ठीक है।
अब देखो क्या करना है, ये देखो हमारा ये जो ये सेंटर लाइन आ रही है हमारी, है ना, ये जो मिड में है इनको इसके साथ में, ये देखो ये ऐसे करके ये इससे जॉइंट हो जाएगा, ये इस टाइप से ये आ जाएगा। ये इस टाइप से, अब इसी टाइप से हम इसको जब कलर करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब देखो मैं इस वाला ये जो पैटर्न है इसमें मैं स्काई ब्लू कलर, ये देखो ये है, और फिर ये पैटर्न इधर को टर्न हुआ, ये देखो ये वाला, ये इस पे ये वाला कलर, ठीक है, और इसी पे थोड़ा मैं ये नाइट पिंक कलर, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज़ करो, ये किया, और इसी के साथ मैं यहाँ पे इसके साथ में यहाँ पे पर्पल कलर ले रही हूँ। मैं पहले अभी आपको कलर बता देती हूँ फिर थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे, अगर आपको समझ में ना आए पहले लाइट कलर करो, नहीं तो फिर अगर एक बार कलर फिल हो जाएगा फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये किया, इसके बाद फिर ये वाला पैटर्न आ गया इसमें, ये देखिए इस टाइप से करके हम इसको कम, तो देखो बेटा ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होके ये इस टाइप से इस पर कलर आ गया, ये देखो ये वाला ये पैटर्न बन गया इसका। ओके तो आप भी ट्राई करिए इसको बेटा, देखो इस टाइप से करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बनाया फिर ये पैटर्न बनाया। जब भी आप पूरा पैटर्न बनाओ ना तो पहले ऐसे करके स्टार्ट कर लो जिससे हम इसको बाद में कवर कर लें। इस टाइप से मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, इस टाइप से करते हुए हम इसको काला करेंगे। इस टाइप से करते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो जब भी आप कलर करें तो थोड़ा सा पहले आप उसको मार्क कर लें, हम लाइट कलर कर सकते हैं ना, ताकि आपका पूरा कम रॉन्ग ना हो। फिर अब देखो बच्चा इस टाइप से मेरा ये पैटर्न ये रेडी हुआ। देखो हमने पहले ये वाला पैटर्न बनाया था और फिर ये, आप इसको कैसे भी करके आप यूज़ उसको कर सकते हो, बट आपको पहले पैटर्न बनाना आ जाएगा तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं।